इधर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर बिलासपुर में होने जा रहे जश्न को लेकर सवाल उठाए हैं। बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत में रणधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार के 2 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि यह जश्न सिर्फ कांग्रेस सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए किया जा रहा है। इस बीच रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर जनता के हक छीनने का भी आरोप लगाया कि वो अपनी सरकार का जो 2 साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा हो रहा है उसका जो जश्न का कार्यक्रम बिलासपुर में कर रहे हैं उसका क्या औचित्य है। 2 साल में इस सरकार ने कौन सा जनहित और प्रदेश हित में ऐसा काम किया जिसका वो जश्न मना रहे हैं? कोई एक उपलब्धि भी बताएं जिसको लेकर वो जश्न मना रहे। मुझे लगता है वो जश्न का कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि जो कमियां सरकार की हैं उसको छिपाया जा सके, जो उन्होंने गुनाह किए हैं उस पर पर्दा डाला जा सके।